अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ चिकन का चार गोश। उसके लिए मैंने लिए है 1/2 kg चिकन, 1/2 प्याली दही, 2 टमाटर उनका पेस्ट बना लिया, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टीस्पून हमने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। और हमने हरी मिर्चें इसमें डालेंगे आखिर में। उसमें भरने के लिए हमने लिए हैं सौंफ, ज़ीरा, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून कलौंजी, 1 टीस्पून सौंफ। और हम इसका पाउडर बना लेंगे और इनको हरी मिर्चों को सबसे आखिर में इनको काट के फिर हम इसमें भरेंगे। चलें जी करते हैं प्रोसेस शुरू। सबसे पहले हम और हमने लिया है ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसमें चिकन को मैरिनेट करके रखेंगे। ये हम इसमें पहले चिकन डाल देंगे अपनी, फिर हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, रेड चिली पाउडर, सुर्ख मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर। और इसमें हम फिर शामिल करेंगे, ये हमने 1/2 कप जो दही लिया था हम वो भी इसमें शामिल कर देंगे। में शामिल करेंगे हम ऑयल, तकरीबन 1/2 कप से थोड़ा कम हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे और इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करके मैरिनेट करके हम इसको तकरीबन 1/2 घंटे के लिए रख देंगे। जब ये बहुत अच्छी तरह मैरिनेट हो जाएगा फिर हम इसकी कुकिंग शुरू करेंगे। ये देखिए सब चीज़ें इसमें मिक्स हो गई। हम इसको 1/2 घंटे के लिए रख देते हैं ताकि ये अच्छी तरह इसमें सारे मसाले चिकन के अंदर अच्छी तरह जज्ब हो जाए। फिर हम 1/2 घंटे के बाद इसकी कुकिंग शुरू करेंगे। जब ये मैरिनेट हो जाएगा तो फिर 1/2 घंटे बाद हम इसकी कुकिंग शुरू करेंगे। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ बहुत अच्छी लग रही हैं। इंशाल्लाह आप सबकी फरमाइशें ज़रूर पूरी करूंगी मैं। दिस डिस की जो भी फरमाइश है मैं ज़रूर पूरी करूंगी इंशाल्लाह। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अच्छा जी 1/2 घंटा हो चुका है, हमारी चिकन जो है बहुत अच्छी तरह मैरिनेट हो चुकी है। अब हम इसको फ्लेम पे रखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसको करते हैं हम ऑन। और ये देखिए मैंने टमाटरों की पेस्ट बना लिया और जो मैंने कलौंजी, ज़ीरा और सौंफ थी उसको भी पीस के मैंने उसका पाउडर बना लिया है। और ये मैंने हरी मिर्चें जो हैं इनको कट करके रख दिया है और इन हरी मिर्चों के अंदर में ये जो पाउडर है ये हमारा थोड़ा सा जो चिकन है ये ज़रा सी हो जाए। इसमें हमने ऑयल भी शामिल कर दिया था लेकिन ये ज़रा सा भी गल जाए, पानी थोड़ी सी वो हो जाए, हम इसमें टमाटर का पेस्ट जो है हम वो शामिल करेंगे। देखिए अब मैं इसमें हरी मिर्चें भी भर के रख देती हूँ ताकि ये जब हम इसको चिकन को दम पे देंगे तो फिर हम इसमें ऊपर से डाल के हरी मिर्चें और इसको दम पे दे देंगे। ये देखिए ये इतना अच्छा इतना मज़ेदार अचार गोश बनेगा ना कि आप लोग पैकेट का मसाला भूल जाएंगे। ये देखिए ये
इसको सबको मैं इस तरह करके सबको काट लिया है मिर्चों को, और मैं ये इसके अंदर भर दूंगी। ये अचार गोश जो है ये हरी मिर्चों में जो मैंने सौंफ और कलौंजी ज़ीरा ये डाला है, तो इसकी उससे पूरे सालन में अचार की खुशबू आएगी। ये देखिए देखिए। अच्छा, मैंने इसमें नमक इसलिए नहीं शामिल किया है कि नमक तो ऑलरेडी मैंने इसमें डाला हुआ है सालन में, तो ये सब जब उसमें जाएंगी तो ये खुद ही नमकीन हो जाएंगी। ये देखिए हमारी सारी मिर्चें भी हमने इसको फिल कर ली है। अब हम इसको देखते हैं अपने चिकन को। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए हमारी चिकन। अब हम इसमें ये जो हमने टमाटर की जो प्यूरी बना के रखी थी ये हम इसमें डाल देंगे, ताकि इसमें थोड़ा सा इसका मसाला बन जाए। अब हम इसको पानी खुश्क होने तक इसको अच्छी तरह पका लेंगे। जब पानी खुश्क होने लगेगा, ये हमारा सालन भुनने लगेगा, फिर हम इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। फ्लेम हम थोड़ा सा स्लो कर देते हैं ताकि चिकन अच्छी तरह मैरिनेट हो गई है तो अच्छी तरह गल जाएगी ये। और बस इसका पानी, इसमें पानी नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना। टमाटर के पानी से चिकन अपना पानी छोड़ेगी, टमाटर का पानी और दही का पानी जो होगा उससे बहुत अच्छी तरह मैरिनेट करके जो हमने रखा था वो पानी होगा, उसी में ये गल जाएगी चिकन। चलिए जब तक ये पानी इसका वो होता है, हमें 15-20 मिनट बाद फिर हम इसको दोबारा देखते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं इसमें भी, देखिए अभी इसमें पानी है, पानी थोड़ा बाकी है। जब तक इसका ऑयल ऊपर ना आ जाए, पानी खुश्क ना हो जाए, हम चिकन को अच्छी तरह भूनेंगे। उसके बाद अभी इसमें पानी है, ये भी थोड़ा सा ड्राई हो जाए फिर हम। अच्छा, आप लोग बताइए कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लग रही है। आप ये ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी ये बहुत ही अच्छी बहुत मज़ेदार अचार गोश्त, और मिनटों में बन जाता है। कोई इसमें बस आप मैरिनेट करके रख दें, जब आपको बनाना हो 1 घंटा पहले मैरिनेट करके रख दें, आधा घंटा पहले मैरिनेट करके रख दें, और फिर उसके बाद आप इसको कर लें, बना लें, बहुत अच्छा बनता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा चैनल बहुत अच्छा लग रहा होगा, आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। इसका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ बहुत अच्छी लग रही हैं। देखिए अब माशाल्लाह से ये हमारा ऑयल जो है ये आना शुरू हो गया। हमारी चिकन अब बिल्कुल ड्राई होने पर है, और जब बिल्कुल ये ड्राई हो जाएगी तो हम इसमें ये हरी मिर्चें और ये जो हमने मिर्चों में मसाला भरा था, हम ये मसाला भी इसके अंदर डाल देंगे, और थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ जाए फिर हम इसके अंदर ये चीज़ें डाल देंगे। ये देखिए थोड़ा सा और ये हो जाए, फिर नेक्स्ट पे ये मिर्ची रख के इसको हल्की आँच को दम पे दूंगी, ताकि ये जो है इसके अंदर ही हरी मिर्चें भी देखिए। चिकन हमारी बिल्कुल गल चुकी है बहुत अच्छी तरह, ये देखिए, और हमारी चिकन ने साइडों से बिल्कुल ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। ये देखिए थोड़ा सा और भून जाए, कि अब ये हमारी चिकन माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए बिल्कुल हो गई है। अब हम इसके ऊपर ये मसाला जो हमने उसमें से हरी मिर्चों में से बचाया था ये इसमें डाल देंगे, ताकि इसकी
अचार वाली खुशबू पूरे सालों में आ जाए। और ये हरी मिर्चें हम इनको गंदी समेत ही ऐसी इसमें डाल देंगे और बहुत स्लो आंच पे इनको दम पे रख देंगे ताकि हरी मिर्चें जो हैं वो अच्छी तरह गल जाए। ये देखिए अब हम इसको दोबारा से 10 मिनट के लिए बस इसको दम पे रख देंगे और हमारा अचार गोश्त बिल्कुल तैयार है। देखिए हमारा अचार गोश्त जो है अब दम पे आ चुकी है, हमारी हरी मिर्चें भी, और हम फ्लेम करते हैं ऑफ। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा, कितना खुशबू वाला हमारा ये अचार गोश्त बना है। आप लोग देखिए हमारी हरी मिर्चें जो हैं वो भी बिल्कुल गल चुकी है अच्छी तरह। ये देखिए इनका कलर चेंज हो गया है, ये ऑयल भी ऊपर आ गया है। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा हमारा अचार गोश्त बन के तैयार हो गया है। आप लोग ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिएगा इसका कि आप लोगों को कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का अचार गोश्त कैसा लगा। और आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। Thank you.